नाउ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया मॉलिक्यूल। नया मॉलिक्यूल क्या, ये बहुत हद तक यूज़ किया जा रहा है इंडिया में भी और ओवर दी ऑल दी स्टेट्स में भी ये बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कंडीशंस के लिए और मेजरली एक तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ की कंडीशंस के लिए ही। जो मॉलिक्यूल का नाम है वो है बिल्डाग्लिप्टन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो डायबिटिक की कंडीशंस हैं वो बहुत ही हद तक धीरे धीरे इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवर दी वर्ल्ड और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये जो है बहुत ही पीक पे जा रहा है एंड इट इज़ इंक्रीजिंग इन अ मल्टीपल वे। अभी तक जो इंडिया का एक जो अभी सर्वे आया है उसके अंदर पता चला है कि इंडिया जो है एक तरीके से घर है कम से कम 77 मिलियंस केसेस ऑफ डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कंडीशंस के। 77 मिलियन का मतलब आप समझ जाइए सिंपल तरीके से कि 7,70,00,000 लोग जो हैं यहाँ पे डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं एंड इट्स अ पर्टिकुलरली जो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं सेकेंड हाईएस्ट है इन दी वर्ल्ड। इनसे पहले एक और कंट्री है वैसे इंडिया से पहले जिसका नाम है चाइना। चाइना में 116 मिलियन लोग जो है अफेक्टेड हैं बाय दिस टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की कंडीशंस के द्वारा। It's a metabolic disorder. So around एक तरीके से समझिए तो 11.6 करोड़ लोग जो हैं 60 लाख लोग जो हैं 11.11 करोड़ and 60 लाख लोग जो हैं वो एक तरीके से अफेक्टेड हैं बाई दिस डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कंडीशन से चाइना में। US में अराउंड 27 मिलियन विच इज़ वी कैन टेक इट एज अ 2,70,00,000। पाकिस्तान में 20 मिलियन जो कि एक तरीके से 2 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन हो गई। ब्राज़ील में 18 मिलियन जो कि अराउंड 1,80,00,000 लोग की पॉपुलेशन हो गई। नाउ जो मेजर इशू ये है कि हमारा दो चीज़ जो है बहुत हद तक अफेक्ट होता है एंड डायबिटिक की जो कंडीशन है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें, अगर शुगर की लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हमारे अंदर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तीन चार चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट है नेफ्रोपैथी की कंडीशन, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ शुगर किडनी डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं एंड वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ किडनी डैमेज इज़ दी इंक्रीज इन शुगर लेवल। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ने के कारण रेटिनोपैथी की कंडीशंस हो जाती हैं सो दैट कि रेटिना पे जो इमेज बनना चाहिए वो उतनी क्लियर नहीं बन पाती एंड इट लीड टू समटाइम ब्लाइंडनेस और डबल विजन। नाउ द थर्ड थिंग इज़ द कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी इज़ द कंडीशन इन विच द इलास्टिसिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स गेट डिटोरिएटेड एंड विच लीड टू अ मेजर चांसेस ऑफ कॉजिंग द कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक हार्ट अटैक और टाइप ऑफ एंजाइना कंडीशंस। नाउ दीज आर द कंडीशन, वन ऑफ द मेजर थिंग इज नेफ्रोपैथी इज ऑल्सो। सो द नेफ्रोपैथी लीड्स टू समटाइम द डिजीज ऑफ गैंग्रीन एंड इफ द पेशेंट इज गोइंग टू सफर फ्रॉम गैंग्रीन देन देयर इफ दे आर केयरलेस अबाउट दैट पर्टिकुलर कंडीशन so there might be the situation where the patient is going to have a amputation surgery in which certain part of the body will have to be cut down from their part from their body. so ये सारी एक complications हैं and इसके लिए बहुत सारे combinations of medicines जो हैं available हैं so that to control this sugar level in the body. उसी में एक क्लास ऑफ ड्रग है जो कि बिल्डाग्लिप्टन है जो कि एक तरीके से इंसुलिन की सीक्रेशन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है एंड इट्स वर्किंग
on inhibiting the DPP-4 enzyme. So it's a dipeptidyl peptidase 4 enzyme को inhibit कर रहा है and enhances the insulin secretion. So the most and important thing हमें जो जानना है वो ये है कि what is incretins बोलिए आप इसको simple तरीके से incretins. So जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहे होंगे सामने में कि इनक्रेटिन्स जो है एक तरीके का गट हार्मोन है. ठीक है, हमारे गट के रीजन में जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की रीजन है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है और ये रिलीज तभी होता है जब हमारा फूड जो है जीआई ट्रैक तक पहुँचता है. तो जब ये रिलीज होता है और फूड जीआई ट्रैक तक पहुँचा तो एक ये रिलीज होने का मतलब है कि ये अब सिग्नल देगा पैंक्रियाज को और पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं उसको स्पेसिफिशली कि अब आप अपनी इंसुलिन की सिक्रीशन को या इंसुलिन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को स्टार्ट करें. एंड ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट दी पैंक्रियाटिक बीटा सेल जो कि मैंने आपको अभी बताया. टू टाइप ऑफ इनक्रेटिंस जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. पहला है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एंड द सेकेंड वन इज GIP विच इज अ ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड. ये दो इनक्रेटिंस हैं जो कि हमारे गट के रीजन से रिलीज आउट होते हैं एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली एज आई नो दैट GLP इज रिलीज फ्रॉम द रीजन ऑफ दैट ड्यूटेनम रीजन एंड GIP इज रिलीज फ्रॉम द रीजन ऑफ इलियम एंड कोलॉन रीजन विच इज वेयर द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दैट गेट कनेक्टेड. नाउ द DPP-4 एंजाइम क्या है. डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर जो है रिक्वायर्ड होता है फॉर डिग्रेडेशन ऑफ GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1. उसकी डिग्रेडेशन के लिए ये एंजाइम बहुत ही इम्पोर्टेंटली ज़रूरी है और जब ये डिग्रेड आउट कर देता है GLP को तो GLP एंड GIP जो है वो एक तरीके का सिग्नल का काम कर रहा है टू स्टिमुलेट दी पैंक्रियाटिक बीटा सेल. अब जब इनक्रेटिंस स्टार्ट होगा सिक्रीट रिलीज होना स्टिमुलेट एक तरीके से आप मानिए तो रिलीज होना तब ये DPP-4 एंजाइम जो है उस इनक्रेटिंस मतलब समझिए GLP एंड GIP को एक तरीके से उसको इनहिबिट कर दे रहा है उसकी डिग्रेडेशन कर दे रहा है. जब उसकी डिग्रेडेशन कर देगा तो जो सिग्नल है GLP और GIP का वो प्रॉपर तरीके से पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स तक पहुंचेगा नहीं और जब ये मैसेजिंग जो नहीं पहुंचेगी तो एक गलत सिग्नल जाएगा और शुगर की लेवल जो है ब्लड में बढ़ते रहेगी लेकिन इंसुलिन जो है पैंक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज आउट नहीं होगा. तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप वाली मेडिसिन है. ये कम्युनिकेशन गैप को इन्हेंस आउट करती है सो दैट कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल जो है इंसुलिन को रिलीज आउट करे. रिड्यूस क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीशन बाई सप्रेसिंग दी GLP-1. DPP-4 एंजाइम क्या कर रहा है, इंसुलिन की सिक्रीशन को रोक रहा है बाई सप्रेसिंग GLP-1 और GIP को भी एक तरीके से कुछ हद तक. नाउ व्हाट इज DPP-4 इनहिबिटर ड्रग. DPP-4 इनहिबिटर ड्रग क्या है, सो ये ड्रग जो है वो इंसुलिन सिक्रेटोगोगियस है. सिक्रेटोगोगियस का मतलब इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाने वाला ये दवाई है. ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है एक्शन ऑफ DPP-4 एंजाइम. DPP-4 एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करेगा, इनक्रेटिंस के द्वारा जो रिलीज हो रहा है GLP एंड GIP उसकी जो रिलीज है वो बढ़ेगी. जब उसकी रिलीज बढ़ेगी तो वो ज़्यादा सही तरीके से पैंक्रियाटिक बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा और जब ज़्यादा सही तरीके से स्टिमुलेट करेगा तो ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज होगा और जब ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा तो जो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज होने की चांसेस हैं, जो शुगर की लेवल बढ़ने की चांसेस हैं आफ्टर ईटिंग, उसे एक तरीके से रिड्यूस आउट करेगा क्योंकि वो एक तरीके से ग्लूकोज मेडिएटेड ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स जो हैं वो सेल्स के अंदर ओपन करने में हेल्प करेगा इंसुलिन.
सो इनहिबिट द एक्शन ऑफ DPP-4 एंजाइम। ऑल्सो इसको हम लोग कहते हैं DPP-4 एंजाइम इनहिबिटर ड्रग को ग्लिप्टिंस भी कहा जाता है। नाउ DPP-4 एंजाइम इनहिबिटर के अंदर ड्रग की अगर हम बात करें तो सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेनलीग्लिप्टिन, सेक्सोग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन ड्रग्स आती हैं। इनक्रिटिंस क्या करता है, दो चीज़ें करता है, इनको हमें समझने की ज़रूरत है। इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंसुलिन की सिक्रीशन जब हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होगी तो जो शुगर की कंडीशन और जो डायबिटीज़ की कंडीशन है वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। सेकेंड थिंग क्या कर रहा है कि एपिटाइट को डिक्रीज़ कर रहा है। कैसे कर रहा है ये देखिए, जो इनक्रीटिंग्स हैं उसमें GLP-1 और GLP-2 भी रिलीज़ होता है। GIP तो है, GLP-GIP मेन है, बट GLP-1 एंड GLP-2 भी रिलीज़ होता है। GLP-1 क्या करता है, इंसुलिन की रिलीज़ को बढ़ा रहा है, इंसुलिन की सिक्रीशन को इन्हेंस आउट कर रहा है, वेयर GLP-2 जो है वो हमारे गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। सो एपिटाइट को जो भूख लगने की टेंडेंसी है उसे कम करेगा। ये कंडीशंस कहाँ पे काम आएंगी, कहाँ ये इफ़ेक्टिव है, इन द पेशेंट हु इज़ हैविंग दी IBS इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़, जिसको कि हमेशा रेगुलरली जाना पड़ रहा है बाथरूम। सो उस कंडीशन में अगर आप एपिटाइट डिक्रीज़ कर दे तो कम खाना खाएगा, तो कम बार बाथरूम जाएगा, ये कंडीशन। नाउ ये ड्रग है विलजी, विल्डाग्लिप्टिन टैबलेट है हमारा 50 mg, जुविंटस हेल्थ केयर के लाइफस्टाइल डिवीज़न का ये ब्रांड है और ये बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज की ब्रांड है। जस्ट विलजी की जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ 5 rupees पर टैबलेट है। सो हर एक पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, हर एक रेंज ऑफ पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, हर एक इकोनॉमिकल रेंज ऑफ पेशेंट्स के अकॉर्डिंग जो ये ब्रांड को मैन्युफैक्चर एंड मार्केट की गई है, सो दैट कि हर एक पेशेंट जो है वो एक अफोर्डेबल अमाउंट में एक अच्छा मेडिसिन, शुगर की एक अच्छी मेडिसिन, डायबिटीज़ की एक अच्छी मेडिसिन को यूज़ कर पाए। अगर हम बात करें अब विल्डाग्लिप्टिन की, सो विल्डाग्लिप्टिन क्या कर रहा है, ये बाइंड होता है एंजाइम से कोवेलेंटली। कोवेलेंटली बाइंडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, ये हमें पता है। द कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि यहाँ पे डिसोसिएट की जगह डिसोसिएट लिखा गया है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। सो द कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तरीके से डिसोसिएट होता है बहुत ही स्लोली। जो कोवेलेंटली कॉम्प्लेक्स बनाता है वो एंजाइम के थ्रू, एंजाइम के साथ, वो बहुत ही स्लोली डिसोसिएट, मतलब टूटता है, छोड़ता है या ख़राब होता है, डिग्रेड आउट। डिसोसिएशन जो है बहुत ही स्लो है, इसी के कारण इसकी जो एक्शंस हैं वो प्रसिस्टेंट DPP इनहिबिशंस की बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इनकी। इसी के कारण एक और चीज़ है कि इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर है, 12 to 24 hours तक। हाँ, मोस्ट प्रोमिनेंटली ये कहा जाता है कि विलजी अगर 50 mg आप, विल्डाग्लिप्टिन 50 mg आप दे रहे हैं तो 2 times डे में दीजिए, सुबह एंड शाम को, एक तरीके से रात में इन दैट केस। सो इसीलिए इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा है। क्यों, ये डिसोसिएट बहुत स्लोली कर रहा है और प्रसिस्टेंट DPP इनहिबिशन कर रहा है, इसी के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है डिस्पाइट जो कि उसकी शॉर्ट प्लाज्मा THAF है जस्ट अबाउट 2 to 4 hours। सो 2 to 4 hours तक ही इसकी THAF हाइएस्ट है, शॉर्ट प्लाज्मा THAF है। 2 to 4 hours में इसकी ड्रग की जो रेंज है, थेरेपेटिक इंडेक्स की रेंज जो है वो डिटोरिएट आउट कर जाती है, बट देन आफ्टर इट इज़ ऑल्सो बींग इफेक्टिव। सो बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल है। मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो हमारा है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ये एक तरीके से एलिमिनेट आउट होता है। नाउ डोज जो है रिडक्शन की जाती है इज़ नीडेड इन मॉडरेटली जो सीवियर डीवियर लीवर डिजीज से कुछ अफेक्टेड हैं, क्योंकि ये इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, जैसा हमने पढ़ा है कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, तो डोज को रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होगी तो लीवर पे असर पड़ सकता है। सो डोज रिडक्शन करना पड़ता है सीवियर लीवर डिजीज़ और सीवियर किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के अंदर।
नो सिग्निफिकेंट ड्रग इंट्रेक्शन हैव बीन, अभी तक कोई भी एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग इंट्रेक्शन जो है अभी तक रिपोर्टेड नहीं की गई है एज पर दी केडी त्रिपाठी बुक। नाउ विल्डाग्लिप्टिन जो है एक तरीके का लेस सेलेक्टिव है देन सिटैग्लिप्टिन। सो विल्डाग्लिप्टिन जो है वो बहुत लेस सेलेक्टिव है एज कम्पेयर टू सिटैग्लिप्टिन। सिटैग्लिप्टिन जो है वो एक तरीके से भी पेटेंट है किसी कंपनी की, सो इट इज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड और इट्स पेटेंसी हैजंट बीन एक्सपायर्ड टिल नाउ। सो एट वट एवर पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी एक्सपायर्ड देन आफ्टर इट विल कम टू द मार्केट एंड मैनी अदर कंपनीज विल ऑल्सो बी गोइंग टू मार्केट दैट मॉलिक्यूल ऑफ सिटैग्लिप्टिन नाउ। सो विल्डाग्लिप्टिन जो है लेस सेलेक्टिव है देन सिटैग्लिप्टिन फॉर DPP-4 इनहिबिशन, बिकॉज विल्डाग्लिप्टिन जो है कभी कभी कॉजेस करता है सम इनहिबिशन ऑफ DPP-8 एंड DPP-9 को भी एज वेल, ठीक है। बट जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ऑफ दिस फीचर इज नॉट येट नोन। इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है DPP-8 और DPP-9 को इनहिबिट करने का, उसका कोई एक पर्टिकुलर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो अभी तक फीचर आउट नहीं हो पाई है टिल नाउ। बट वेन एवर इट विल हैपन इट विल बी अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। मैंने इसके बारे में अभी डिटेल में स्टडी नहीं की है कि DPP-8 एंड DPP-9 क्या कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर, बट ज़रूर कुछ ना कुछ इसके भी बेनिफिट्स एंड कुछ ना कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स होंगे हमारे बॉडी के अंदर। सो वी विल एग्जामिन दैट एंड मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ एक वीडियो इसके बारे में भी बनाऊँगा आप लोग के लिए। नाउ GLP एनालॉग इंसुलिन की रिलीज को क्या कर रहे हैं। सो GLP की एनालॉग्स भी आती हैं, जैसा कि हमें पता चला GLP ही मेन कर रहा है स्टिमुलेशन ऑफ हमारे एक तरीके से हमारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की स्टिमुलेशन के लिए। सो GLP जैसे हम इंसुलिन, जैसा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ने किए है कि जैसे हम इंसुलिन को हम दे देते हैं सबक्यूटेनियस और IV रूट के थ्रू, वैसे क्या हम GLP एनालॉग दे दें तो नहीं पैंक्रियाटिक बीटा सेल स्टिमुलेट करके अपनी सिक्रीशंस कर पाएंगे। आंसर इज वी कैन गिव इट। सो दैट वाई GLP-1 जो है इंसुलिन रिलीज को बढ़ाने के लिए, इंसुलिन की सिक्रीशंस को बढ़ाने के लिए आई है। उसके अंदर दो मेडिसिन है, एक एक्जिनाटाइड है एंड एक लायरा ग्लूटाइड है। बोथ जो है एक तरीके से बेस्ड है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बेस पे और दोनों पेप्टाइड है, इसलिए ये जो है हम लोग ज़्यादातर क्या मोस्ट प्रोमिनेंटली और वी कैन टेल 100% जो है पेरेंटली ही दिया जाता है। GLP-2 जो है वो एक गैस्ट्रिक इम्प्लांटिंग टाइम पे काम करता है। सो इसमें एक और एक ड्रग आई है जिसको कहते हैं टेडुग्लूटाइड, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज़ किया जाता है IBS कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया इन्फ्लामेटरी बॉल सिंड्रोम की कंडीशंस के अंदर। एंड इफ़ आवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारा 30% ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स अगर अलाइव है तभी ड्रग वर्क करेगी। अगर 30% ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल इफेक्टिव नहीं है तो ये GLP एनालॉग भी नहीं काम करेगी, कोई ड्रग क्लास ऑफ मेडिसिन नहीं काम करेगी, जस्ट द वर्क विल बी द इंसुलिन। एंड आई थिंक द डापाग्लिफ्लोजिन एपाग्लिफ्लोजिन एंड कैनाग्लिफ्लोजिन इज ऑल्सो बी गोइंग टू बी वर्केबल बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द पार्ट ऑफ किडनी वेयर इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज। सो आई थिंक दैट विल बी गोइंग टू बी वर्क विद इंसुलिन ऑल्सो, बट आई एम नॉट सो मच ऑफ clinically correct because I don't have that much of experience, but I think so. So thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe to the channel, and please share to your WhatsApp group or to your Facebook group so that more person can get interact and can know about the new molecules and new
concept regarding the molecule. So thank you so much. Keep supporting Pharmacy Express India channel. Thank you.